सर लेफ्ट हो गया शायद, पता नहीं। नहीं, लेफ्ट नहीं हो गया। ना या। रोल का ये चक्कर होता है नेट का। हेलो, जी सर, आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप सुन पा रहे हो? आप मेरी अच्छी तरह से आवाज आ रही है? ललित नासिक आप सुनाई दे रहा है? जी सर, अब जी सर। क्लियर आ रही हाँ चलो, मैं एक बार रिवीज कर देता हूँ इस सवाल, ठीक है? नेक्स्ट सवाल आप खुद करोगे, ठीक है? अभी तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, ठीक है? जिसको लगे समझो वो भी देख लो, जिसको नहीं लगा वो भी देख लो। क्वेश्चन में वो आपको दिया हुआ है एन इफेक्टिव रेनफॉल 2 आवर, 2 घंटे की आवर, दो टू इफेक्टिव है, 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ दी है, फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है, पीक 200 m³/s, ये आपका पीक दिया हाइड्रोग्राफ का। द फ्लड हाइड्रोग्राफ हैज ए बेस फ्लो, इसमें आपको दिया है 20 m/s, ठीक है? नेक्स्ट आपका बोला है वो कि इफ द स्पेशल एवरेज रेनफॉल इन द वाटरशेड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इज 2 सेंटीमीटर एंड द एवरेज लॉस रेट इज, इसमें आपका लॉस दिया फाई, आई कैन वैल्यू द 0.4 सेंटीमीटर पर आवर, द पीक ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है? तो आपको हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये आपका 20 m³/s आपका बेस फ्लो है, ऊपर यहाँ पीक पे आपका दिया 200 m³/s आपका पीक आ गया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो जब हम इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे तो क्या, अगर बेस हम नहीं लिखेंगे तो हम बेस नहीं लिखे, 200 में से आपने 200 में से आपने 20 माइनस कर दिया जो बेस फ्लो दिया, तो आपका 180 बन जाएगा, ये आपका हाइड्रोग्राफ बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो आपका 2 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सेस डेप्थ दे रखा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, आपका लॉसेस हो रहा है, ठीक है? जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, बारिश जो पानी आ रहा है सतह पे, वो जमीन के अंदर भी जा रहा है, तो उसको क्या करना, करना जो आपका फाई के वैल्यू है उसको, उससे आपने क्या करना, जो आपको दिया है एक्सेस रेनफॉल डेप्थ 2 - 0.4 द होल स्केयर, इसको माइनस करके आपका 1.2 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो यहाँ पर आपने रेनफॉल एक्सेस डेप्थ आपका 1.2 आ गया, ठीक है? बट अभी भी देखो ये आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बना, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ अभी भी आपका DH ही है, यूनिट हाइड्रोग्राफ करने के लिए हमें जो आपका रेनफॉल है उसकी यूनिट चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपके 1.2 है, तो इसको अगर आप इसे उसकी ऑर्डिनेट से उससे आपने डिवाइड कर देना है, हमने लास्ट टाइम बात किया था कि अब इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपका क्या बनेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ या आपका 1.8 जो आपका पीक है, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा पूरे को, जब डिवाइड करो 1.2 से, ठीक है? 1.8 180/1.2 आपका ये बन गया, और जो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जब 1.2 से डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा, तो आपका ये ड्रॉ हो गया 1, आप 1 जिसकी यूनिट है, अगर आप जिसकी हो। जो क्वेश्चन दिख रहा है आप अपने खुद सोल्व करना है, ठीक है? मैं पहले पढ़कर बताता हूँ। ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, आपको एक ऑर्डिनेट्स दिया है 6 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट एज गिवन फ्लो, जो आपको नीचे टेबल दिया है उसमें आपको वैल्यूज दे रखी है, टाइम भी और डिस्चार्ज भी दे रखा है। पहला आपको पॉइंट बोल रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, यहाँ पे आप 6 का दे रखा है और आपने 12 आवर्स का आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है आपने फाइंड एरिया ऑफ कैचमेंट, ठीक है? हमने अभी मॉर्निंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी मेथड से निकलेगा, आपने एरिया ऑफ कैचमेंट निकालना है। थर्ड कह रहा है फाइंड द डी आर एच,
डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम दी फॉल बी, जो नीचे वैल्यू दिया है इससे आपने डी आर एच निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ फॉर रिजल्टिंग डी आर एच। लास्ट आपने क्या करना है, अप्लाई द सूटेबल चेक ऑन द रिजल्टिंग डी आर एच, जो आपने ऊपर जो निकाला है उसको आपने रीचेक करना है, ठीक है, रिजल्ट करना है डी आर एच आपने सही बनाया कि नहीं, ठीक है, जो आपने एरिया निकाला है ठीक है वो सही आया कि नहीं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आप खुद करो फटाफट, आप अपना पेन नोटबुक निकालो, आपको 6 आवर का दिया है, 12 आवर का आप ये सॉल्व करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 12 आवर, ये आपका 6 आवर का कोऑर्डिनेट दिया, 10, 40, 50, 45, 30, 7, ठीक है, ये आपका 6 आवर का है। आपने क्या करना है, 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना के उसके एक ये मुझे अपने ऑर्डिनेट निकाल के बताओ, ठीक है। तो ले निकालो बच्चे, हरित कुमार, नासिक, निहाल, निकालो 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, उसके ऑर्डिनेट्स निकाल के फटाफट करो। यस बच्चे, सुन पा रहे हो आप मुझे? जी सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ, फिर तो ही ले बच्चे आप निकालो फटाफट, ऑर्डिनेट्स निकालो। तो पहले का भी अच्छे से नहीं समझे सर, लेकिन नहीं सकेगा होगा, पहला तो कुछ भी नहीं था। ये लास्ट लेक्चर लगाए थे ना आपने, लास्ट टाइम शायद क्वेश्चन पूछा था कि हमने 12 आवर को कैसे कन्वर्ट करना है, 3 आवर का दिया हमने, 5 आवर का बनाना है कैसे बनाना है, आप थोड़ा सा दिमाग कैसे बनाना है रफ्ती करो। बाकी ललित कुमार, नासिक, निहाल, विशाल, ऑडियंस आएंगे क्या, वैल्यूज आएंगे कैलकुलेट करो। जी सर, कर हम आपको बाद में सेंड करेंगे। नहीं बच्चे, नहीं नहीं आप करो सॉल्व, मुझे थोड़ी सी वैल्यू बताओ, ठीक है, मैं तो अभी बता ही दूंगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल के ऑर्डिनेट से निकालो, 5 मिनट का काम भी नहीं है सर। वही तो सर, समझ में नहीं, आप रिविजन नहीं करते हो इसीलिए किसी को आ नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को आता होगा, बहुत इजी है। विशाल तुम भी यहाँ पे चुप बैठे हो क्यों बच्चे, विशाल कुछ कंट्रीब्यूट करो यहाँ पे, सुन ही नहीं रहा है विशाल। चलो देखो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ऑर्डिनेट 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। देखो आपको टाइम दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? नहीं। आपका डिस्चार्ज भी दिया है, कोई डाउट नहीं ना? अब ये भूल जाना अभी, ठीक है, अभी आपने टाइम और डिस्चार्ज याद रखना जो आपको टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आपको उसने क्वेश्चन में बोला है 6 आवर का आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, तो आपने 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये आपने टाइम लिख लिया 0, 6, 12, 18, 24, 30 जो भी है, इधर आपने ड्रॉ कर दिया, ये डिस्चार्ज है, ठीक है। तो आपने ये ब्लैक कलर में इसको ध्यान से देखना, अभी रेड को भूल जाना, रेड लाइन को, यह आपने ड्रॉ कर लिया 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर है यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो हम क्या लिखेंगे, जो आपका एक्सेस रेनफॉल डेप्थ होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, ये आपका ब्लैक वाला 6 आवर का बन गया यूनिट हाइड्रोग्राफ। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया अभी तक, जो क्वेश्चन में दिया वही आपने ड्रॉ किया, इधर आपने टाइम लिख लिया टेबल बना के, इधर आपने डिस्चार्ज लिख लिया, इधर जो ब्लैक वाली लाइन खींची है मैंने, ये आपने 6 आवर का जो दिया है वो ड्रॉ कर लिया। अब देखना, आपको लास्ट टाइम पे बताया था जब आपने 6 आवर के दिया या 4 आवर के दिया उसको जब आपने बनाना है किसी और फर्दर, तो क्या करना है कि जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे 6 आवर का दिया है तो आप 12 आवर का बनाओगे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ जो 6 आवर का बनाओगे तो वो दूसरा जो स्टार्ट होगा आपका हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वो 6 आवर के बाद ही शुरू होगा ना, ये 6 आवर है, आप क्या कर रहे हैं 6 आवर के बाद आपने 6 आवर और बारिश करवा दिया, ठीक है, 6 आवर का और ड्रॉ कर दे, ये रेड कलर में जो ये आपका 6 ये हो गया, ठीक है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका 6 आवर, ये भी कितना होगा, इसका रेनफॉल एक्सेस डेप्थ 1 सेंटीमीटर होगा, तो आपका ये डायग्राम ड्रॉ हो गया 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब आ जाओ हम ऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपने लिख लिया
ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय सिक्स आवर, जो आपने सिक्स आवर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सॉरी लैग्ड बाय, ये आपका पहली वैल्यू जीरो है क्योंकि एक छोड़ के लिखना होता है क्योंकि यहाँ पे आपका सिक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो टेन फोर्टी फिफ्टी फाइव यही चीज आपने एक छोड़ के लिख देना क्योंकि आपका जो नेक्स्ट हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हो रहा है ट्वेल्व आवर वाला वो सिक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आपने सिक्स से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस तो ही बोलो बच्चे, क्लियर यहाँ तक? जी सर। हाँ तो आप, हाँ तो आप, आपने क्या करना ऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर एच, अब इसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको कंबाइन करके, ठीक है। तो आपने कैसे किया इन दोनों के, क्योंकि अभी आपने दो अलग अलग बन गया सिक्स आवर का, सिक्स आवर का, तो आपका ये बन गया, कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए दोनों को ऑर्डिनेट को आपने ऐड कर देना है, टेन सॉरी टेन प्लस टेन जीरो दस सॉरी फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी, इन दोनों को ऐड करके फिफ्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव या आपका हंड्रेड, ऐसे आपने ऐड करके आपका इनका दोनों का कंबाइन आपका एक मिल गया डी आर एच, ठीक है। यहाँ पर डी आर एच मिल गया आपको, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया, ठीक है। अब जब इन दोनों को ऐड किया आपने दोनों का, तो आपके क्या बन गया, एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर, तो ये आपका दो सेंटीमीटर का बन गया, दो सेंटीमीटर ए बन गया, डी आवर कितना बारह घंटे का बन गया, ट्वेल्व आवर का टू सेंटीमीटर कटरी रेन ऑफ डेप्थ, और ये आपका ये ग्राफ बन गया यहाँ तक। अभी आप तक यहाँ तक क्लियर होगा सॉल्व, डेवलपर का आपने क्या ड्रॉ किया डी आर एच, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, बट जब यहाँ पे आपने इसको ऐड करने के बाद जो बनाया वो आपका डी आर एच बना, क्यों बना आपको पता है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड किया ब्लैक और रेड लाइन को दोनों को आपने ऐड किया तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व बन गया, ओके। जब ये आपका वन और वन ये दोनों भी ऐड होंगे तो ये दोनों ऐड होके क्या बना टू सेंटीमीटर, आपका डी आर एच टू सेंटीमीटर का बन गया। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको टेबल आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो आपने इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, जो आपका एक्सेस रेनफॉल डेप्थ की जो भी वैल्यू है उससे क्या करना है आपने उसको टू से डिवाइड कर देना है, मतलब उसको भाग दे देना है। तो आप यहाँ से जब इसको दो से डिवाइड डिविजन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका ट्वेल्थ आवर का वन सेंटीमीटर एक्सेस रेन ऑफ डेप्थ का आपका एक हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट क्लियर है, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो अभी आपने यहाँ पे 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्लियर है तो लो ही बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब तो नहीं आवाज का इशू आ रहा है तो लो ही ललित नासिक, क्लियर है ना, बहुत इजी है ना, लास्ट टाइम मैंने किया भी था, आपने इस पे बैक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, मुझे लगा आपको ये आ गया होगा तो आप भूल चुके हो, तो रिविजन किया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लो ही चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द एरिया, तो मॉर्निंग में हमने कौन सा फार्मूला किया था एरिया ऑफ कैचमेंट निकालने के लिए, मॉर्निंग में ललित था, नासिक आप भी थे, वेरी गुड, n इज इक्वल टू 0.  ऑर्डिनेट्स इनटू t बाय a, n वेरी गुड, हां वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड टोली। तो यहां पे आपको n की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे बताओ सर, n का नहीं निकालने क्या सर, हम लोग को 1 दिया है सर। हाँ, n का 1 दिया नहीं है आपने, निकाला है अभी, आप जब 12 आवर का यूनिट बनाया था इसका कितना आया, 1 ही आया ना आपका, जब यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू आपको पता है 2 1 आ गया, ठीक है। आपको फार्मूला पता है n इज इक्वल टू 0.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू t, यहाँ पर टाइम इंटरवल देखो कितना है, ये देखो टाइम, सर मतलब क्या टाइम इतना ज्यादा दिया है सर, कौन सा टाइम का निकालना है, 12 का, हाँ जी तो बच्चे आपको टाइम टेबल बताओ कितना आएगा, हेलो जी सर, हाँ जी टाइम टेबल कितना आएगा, ओ ओ सिक्स
सिक्स आएगा जी सर। तो नहीं सही बोले, और किसी और को प्रॉब्लम है सिक्स से? ललित नासिक कैसे आए सिक्स? आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है? लग गया ना पता कैसे आया? तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू पता लग गया, ई की वैल्यू पता लग गया, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास फार्मूला है, जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, ये देखो एन इज इक्वल टू 1.36 समेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स, जो आपका ऑर्डिनेट्स है क्या करना, आपने ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड किया 187 आ गया, ठीक है। 187 टी आपका वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आपके एरिया निकल जाएगा, कैचमेंट एरिया निकल गया आपका। यस yes, बोलो बच्चे निकल गया, कोई डाउट yes, कोई इशू कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे चलते हैं, आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ थर्ड, थर्ड आपको दिया हुआ फाइंड द डीआरएच रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें आपका टाइम 0 से 6 और 6 से 12 दिया है, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में 1 और 1.5 दिया है। ये देखना, ये देखो टाइम मैंने लिख लिया, वो लिख लिया आपने, क्यू लिख लिया जो भी दिया वैल्यू, ठीक है। अब देखना मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, ये आपका क्यू जो आपका पहला दिया है 0 से 6, यहाँ पे 0 से 6 है, 0 से 6 टाइम, 6 से 12 जो इफेक्टिव पहले की मैंने 1 लिख लिया है, सॉरी लिखा नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और दूसरे का 0.5 दिया है, यहाँ पे मैंने 1 1.5 इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ 0 से 6 और 6 से 12। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन no, कहाँ से मैंने 1 कहाँ से आया, 0.5 0 6 12 पी ये लाइन और ये लाइन कहाँ से आया, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? No, नहीं ना। चलो आप देखना क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन, आप देखना यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 से 6 है वाला, जो वहां पे आपको इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कितना है, n = 1, राइट यही है ना? हाँ जी बोलो बच्चे। हाँ जी तो लो यहाँ पे यही है ना नासिक ललित, जो आपका 0 से 6 वाला वैल्यू है वहां पे आपकी n की वैल्यू इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ आपकी 1 दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे जो आपका ये टाइम इंटरवल है वो कितना है, 6 है कि नहीं, 6 है, तो हमने 1 × 6 जो आपका ये है, ये 1 × 6 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका जो n1u मतलब इसको u मान लो, ठीक है, n1u को आपने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, 0 × 6 0, 10 × 6 60, 40 × 6 240, 55 × 6 3, ये देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है, 45 6 36 मल्टीप्लाई करके आपका ये वैल्यू निकल गया, मतलब इसका आपने निकाल लिया, ठीक है, ये वैल्यू निकाले डिस्चार्ज का, ठीक है। आप आ जाओ सेकंड पे, सेकंड पे जो आपकी एन की वैल्यू वो क्या है, 0.5, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड में आपका 0.5, ठीक है। और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, यहाँ पे टाइम इंटरवल 6 से 12 कितना आ रहा है, 6.5 × 6 यानी 3 सेंटीमीटर, जो आपका n2u निकलेगा, इसको हमने u माना हुआ है n2u, आपने क्या करना, आप जो ये वैल्यू इसको क्या करना, आपने ये 3 से आपने इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। बट एक बात यहां से ध्यान से देना, ध्यान समझना, जो आपकी ये शुरू हो रहा है, ये सेकंड आपका शुरू हो रहा है 0.5 वाला, वो क्या हो रहा है, 6 आवर के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो 6 आवर से आपने बाद में स्टार्ट करनी है, जहां पे यहाँ पे देखो मैंने 6 आवर से बाद में स्टार्ट किया है, ये ऊपर छोड़ दिया मैंने, 6 आवर पे आपका 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 4 से मल्टीप्लाई किया 30 को 120, सेम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्लियर है, लग गया पता है। यहाँ पे जस्ट एक ही ट्रिकी पॉइंट था, जब आप यहाँ से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो इसके लिए 0.5 के लिए, तो जो आपका दूसरा स्टार्ट होगा n2u वो आपका 6 आवर के बाद स्टार्ट होगा, वो बेसिकली पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया था, तो आपका n2u भी निकल
एन टू यू को ऐड कर देना है, मतलब इसको ऐड कर देना जो इसने पूछा था क्वेश्चन में जी डी आर एच इज फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने इन दोनों को ऐड करके जो आपका डी आर एच बना उसकी वैल्यू आपका ये आया, क्लियर है जी सर? तो ललित कुमार नासिर विशाल, क्लियर है यहाँ तक? अगले चले नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखना क्या पूछ रहा है आपसे वो, फाइंड द डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। एक बात बताओ तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ क्या होता है? हाँ जी बच्चे डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ क्या होता है? हाँ जी कौन एन 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 जो होता है सर वही तो है डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। वेरी गुड शाबाश। और क्या नाम है अपने नासिक विशाल, आप कंट्रीब्यूट करो, आपको समझ लग रहा है कि नहीं कुछ? जी सर। ललित कुमार सर एनिस लग रहा है बोलो तो को छोड़ के बाकी तीनों से पूछ रहा हूँ, विशाल नासिक ललित तीनों से पूछ रहा हूँ एक्सेस रेनफॉल डेप्थ और रेन और क्या था एन रिप्रेजेंट के उसमें कोई डिफरेंस है रेनफॉल एक्सेस और हेलो नहीं है ना? जो आपका ध्यान से सुना जो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ ठीक है उसको ही हम एन बोलते हैं, दोनों चीज सेम है ठीक है, एक्सेस रेन बोलो या फिर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ बोलो दोनों चीज सेम है। तो आपका जो लास्ट है उसमें वो आपसे पूछ रहा है एन की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है, तो अभी एन की वैल्यू से निकाला हमने वैल्यू कितनी आई है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अभी जो हमने थर्ड पॉइंट किया है थर्ड का कितना आया एन की वैल्यू कितनी आई? हाँ जी बोलो अगर देखा जाए ना जिसने अभी जो क्वेश्चन लास्ट जो अभी हमने करके था अगर उसको वो समझ लिया तो वहां पे आप से भी आप निकाल सकते हो एन की वैल्यू। तो लोई कितना आया एन की वैल्यू? टू नहीं आएगा बच्चे, टू कैसे आएगा, वन और पॉइंट फाइव तो था जब हम दोनों को ऐड किया था हमारे पास कितना आया, एक का हमारा कितना आ रहा है सिक्स और दूसरे का कितना आ रहा है थ्री, सिक्स प्लस थ्री नाइन आ रहा है, यहाँ पे एन की वैल्यू नाइन आ रहा है ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ ठीक है बगैर कैलकुलेशन ठीक है, अब आ जाओ कैलकुलेशन, आपको जो फार्मूला बताया था एन इज इक्वल टू 0.36 इनटू समीशन ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन टाइम इंटरवल अपॉन एरिया ठीक है, एरिया हमने एरिया हम निकाल चुके हैं। हाँ जी नहीं सर सर रुके ना सर, ये जो सेकेंड हाँ वाला क्वेश्चन था ना सर, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो था फाइंड डीआरएच वाला सर, उस पे आप एक बार वो ग्राफ आप एक एक बार ग्राफ जो बनाया हुआ यहाँ पे जो दिख रहा है सर, बार ग्राफ नहीं सर ये नहीं, बार ग्राफ नहीं सर, बार ग्राफ नीचे नीचे अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखिए सर आप नीचे पे लिखा हुआ है ना एन इक्वल टू एक का वन है ना सर और एक का एन इक्वल टू 0.5 इंटू सिक्स जो की थ्री निकाल रहा है, तो ये दोनों को ये जो रेड से जो एन लिखा हुआ इसका वैल्यू और जो ब्लैक पेन से एन लिखा हुआ इसका वैल्यू को दोनों को वैल्यू को प्लस करने से फोर नहीं आते हैं सर? एक मिनट दोबारा बोलना तो नहीं, दोबारा बोलो जो हम मैंने यहाँ पे ये 1 into 6 और 0.5 into 6 लिखा है
सर सर हाँ हो जाएगा सर, हो गया सर, है ना। चलो अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा ना, एक और तरीका है, एक और तरीका है, मैं सिंपल बताता हूँ फार्मूला। देखो अगर वहां कंफ्यूज हो ना, मत वहां कंफ्यूज हो, पिछला भी भूल जाओगे आप। यहाँ देखो ध्यान से, आपके पास वैल्यू है, आपको पता है कि हम एन निकाल रहा कि हमारे पास फार्मूला एन इजिकल 2.36 इंटू समीशन ऑफ ऑर्डिनेट्स इंटू टाइम इंटरवल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर देखना है एन की वैल्यू निकालना है, एन निकालना है 0.36 आपको पता है, ऑर्डिनेट्स ऑफ समीशन आपको पता है, ठीक है। टी आपको पता है कितना आएगा, टी 6 आएगा, ठीक है। एरिया आपने सेकंड पोर्शन में निकाल लिया था 0.36, टी आपको 6 दिया है, ठीक है। 683 जो आपका ये निकाला है, ठीक है, डी आर एच पिछले क्वेश्चन में, इसको जब ऐड करोगे 1683 आ गया, 1683 आ गया, एरिया आपने निकाल लिया है। जब इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ फार्मूले से 9 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। अगर वहां से अगर कंफ्यूजन है, आप फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आपके पास फार्मूला है, ठीक है, आपको एरिया वहां पे निकाल चुके आप, ठीक है। टाइम इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से आप देख लो, ठीक है। ऑर्डिनेट्स आपने निकाल चुके हो, ऑर्डिनेट्स को ऐड करो, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब लास्ट बचा आपका, लास्ट क्या था चेक करना है, ये अप्लाई द सूटेबल चेक ऑन द रिजल्टिंग डीआरएच। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे आपका 9 आ गया ना। अब यहाँ पर मान लो आपके पास एरिया कैचमेंट नहीं पता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एन की वैल्यू 9 रख के एरिया ऑफ कैचमेंट निकाल लो, तो आपका एन और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आप दोबारा चेक करोगे आपको वही निकलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब चेक मतलब कि आप जो कर रहे हो उस पर आपने चेक लगाना है, तो आप चेक करना तो एरिया चेक सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपका यहाँ पे मैंने सिंपली चेक लगाया कि यहाँ से मैंने सीधा बता दिया एन की वैल्यू, ठीक है, बट फार्मूले के जरिए हम निकाला तो वहां पर भी एन 9 आ रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज चेक करो कि आपका एरिया आपको पता नहीं यहाँ पे, ठीक है, आप एरिया को ए मान लो, बाकी एन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, आप दोबारा कैलकुलेटर देखो आपका एरिया इसी के बराबर आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ कम्प्लीट है। आप बताओ कोई डाउट है, आज के न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। बाकी जितना आप एफर्ट्स करोगे उतना आप सीखते जाओगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। जी सर। तो लोई कोई इशू नहीं। जी सर। ललित कुमार आप बताओ। नासिक हाँ जी ललित, तो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम है आज के न्यूमेरिकल में? नो सर, हो जाएगा सर। चलो ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दो, नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इतना सफिशिएंट है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम, थैंक यू, थैंक यू सर जी। ओके बच्चे, थैंक यू।